हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले। एक देहाती शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 25 सवालात किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुख्तसर जवाबात दिए। आज मैं आपके सामने वही सवालात और जवाबात पेश करूंगा। आप सबसे एक दरख्वास्त है कि इसे पूरा सुनिए और जितना हो सके इसे जरूर फैलाइए, इसलिए कि ये सदका जारिया है, रोजे कयामत तक आपको ये सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह ताला आपको शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। फरमाया, कनाअत इख्तियार करो, अमीर हो जाओगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। फरमाया, तकवा इख्तियार करो, आलिम बन जाओगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जत वाला बनना चाहता हूँ। फरमाया, मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो, बाइज्जत बन जाओगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। फरमाया, लोगों को नफा पहुँचाओ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदिल बनना चाहता हूँ। फरमाया, जिसे अपने लिए अच्छा समझते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकतवर बनना चाहता हूँ। फरमाया, अल्लाह पर तवक्कल करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दरबार में खास दर्जा चाहता हूँ। फरमाया, कसरत से जिक्र करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज़्क़ की कशादगी चाहता हूँ। फरमाया, हमेशा बावजू रहो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआओं की कबूलियत चाहता हूँ। फरमाया, हराम न खाओ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान की तकमील चाहता हूँ। फरमाया, इखलाक अच्छे कर लो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के रोज अल्लाह से गुनाहों से पाक होकर मिलना चाहता हूँ। फरमाया, जनाबत के बाद फौरन गुस्ल किया करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाहों में कमी चाहता हूँ। फरमाया, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के रोज नूर में उठना चाहता हूँ। फरमाया, जुल्म करना छोड़ दो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझ पर रहम करे। फरमाया, अल्लाह के बंदों पर रहम करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी पर्दापोशी करे। फरमाया, लोगों की पर्दापोशी करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुसवाई से बचना चाहता हूँ। फरमाया, जिना से बचो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बन जाऊँ। फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हो उसे अपना महबूब बना लो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का फरमाबरदार बनना चाहता हूँ। फरमाया, फराइज का एहतमाम करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान करने वाला बनना चाहता हूँ। फरमाया, अल्लाह की उस तरह बंदगी करो जैसे तुम उसे देख रहे हो या जैसे वो तुम्हें देख रहा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या चीज गुनाहों से माफी दिलाएगी? फरमाया, आंसू, आजिजी और बीमारी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या चीज दोजख की आग को ठंडा करेगी? फरमाया, दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के गुस्से को क्या चीज ठंडा करेगी? फरमाया, चुपके चुपके सदका और सुला रहमी करना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी बुराई क्या है? फरमाया, बुरे इखलाक और बुखल। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? फरमाया, अच्छे इखलाक, तवाज़ु और सब्र। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के गुस्से से बचना चाहता हूँ। फरमाया, लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो। दोस्तों, ये मसनद अहमद की हदीस है। आप सब आबाब से एक बार फिर दरख्वास्त की जाती है कि इसे जरूर शेयर करें, जितना भी हो सके इसे शेयर करें। सदका जारिया है, जितने भी आबाब इस पर अमल करेंगे उसमें आपका भी बराबर का हिस्सा होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको आज का वीडियो